नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे और मैं हूं आपके साथ हरीश असवाल। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। आज हम एक और नई विधानसभा के साथ आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। कोटद्वार विधानसभा से हम लोग लेंगे आज। समस्या एक ही है और समस्याओं पर ही काम करने के लिए हमने ये प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस पर हम वो बात करेंगे कि जो वादे आपसे आपके विधायक मंत्री ने किए, क्या वो पूरे हुए या नहीं? क्या जो वादों के साथ वो सरकार बनाई थी, वो वादों का क्या हुआ? किस तरह की आज स्थिति है? या फिर से एक नए वादे के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं या नई पार्टियां फिर कुछ नए वादों के साथ आपके सामने आ रहे हैं? तो आ रहे जा रहे की जो परिभाषा है, ये इसी का मतलब है कि सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी हैं या कुछ समाधान भी हुआ है? इन सब के लिए बात करेंगे हम। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पूजा त्यागी जी हैं, अध्यक्ष हैं शगुन महिला उद्यान की कोटद्वार से, और प्रमोद रावत जी हैं हमारे साथ कोटद्वार से। दोनों गेस्ट का मैं स्वागत करता हूं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। पूजा जी, इस कार्यक्रम का थोड़ा सा मैं मतलब आपको बता दूं। इसका मतलब है कि आप अपने कोटद्वार विधानसभा को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं कि किस तरह की आजकल स्थिति है, रैलियां जो हो रही हैं और जो आजकल आपके विधायक भी आजकल आपके क्षेत्र में वापस दिखाई दे रहे होंगे, क्या 4-5 सालों में वो क्या रहे या नहीं? इसी तरह से प्रमोद जी, आपसे भी यही मेरे सवाल सेम रहेंगे। हमें स्थिति पे बात करनी है, जो हमारे गांव की स्थिति है, क्या उन पे कुछ सुधार हुआ है या इनका वोट बैंक ही बढ़ रहा है और किस तरह से बढ़ रहा है? जनता जागरूक हुई है या नहीं, इन सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं पूजा त्यागी जी को लूँगा। पूजा त्यागी जी, आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि हाँ जी, आपकी आवाज़ मुझे मिल नहीं पा रही है। जी नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, अब आइए जी। जी पूजा जी, आ रही है आपकी आवाज़? हाँ जी। पूजा जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये तो सबको पता है, मैं किसी राजनीति कुछ तो नहीं, सिर्फ एक महिलाओं की सुविधा के लिए, एक जैसे मैं समाज सेविका हूँ, मोहल्लों में जाती हूँ, महिलाओं के पास जाती हूँ, तो इस हिसाब से पूरे कोटद्वार में काफी प्रॉब्लम है। पूरे 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ की जो पानी की मतलब निकासी का साधन है वो बहुत ही बेकार है। पहले तो नहर वगैरह साफ हुआ करती थी, 5 साल पहले जैसे नहर वगैरह साफ होती थी, इस पूरे 5 सालों में किसी ने भी नहर साफ नहीं करवाई है ना। और दूसरा, जैसे पानी की सीवर लाइन की जो सीवर लाइन है उसी में हमारी पानी की पाइपलाइन है, जो 5 साल से वो चेक नहीं हुई है, सफाई नहीं हुई है, तो उसमें लीकेज हो रही है, तो उसमें भी पानी की परेशानी की वजह से महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान है कि अभी 7 महीने से वो संघर्ष कर रही है जल संस्थान वालों के साथ, और अभी भी उन्होंने सिर्फ उसको जो है वेल्डिंग कर दिया है, लेकिन मतलब कह नहीं सकते कि पानी साफ आएगा कि नहीं आएगा। सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। उस तरफ तो 5 सालों में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है, गंदा पानी आ रहा है बहुत ज्यादा। ये 7 नंबर वार्ड है एरिया में, यहाँ पर भी समस्या है बहुत ज्यादा। और बाकी जो भावर क्षेत्र है और जो इधर मतलब गाड़ी घाट है, लाल पानी है, इस तरफ है, कूड़े की समस्या बहुत बड़ी है। कूड़े का ढेर वहां लगाते जा रहे हैं। आसपास के बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं, मलेरिया हो रहा है उनको, डेंगू हो रहा है उनको, उस तरफ भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है वहाँ पर? डॉक्टर्स हैं नहीं हैं? बहुत बहुत बुरी हालत है। हॉस्पिटल में वही 2-4 डॉक्टर हैं और डॉक्टर ही नहीं आए हैं इन दिनों में। मतलब कोटद्वार तो अच्छा खासा विकसित वो है, जगह है, वहाँ पर प्लेन माना जाता है, पहाड़ वहाँ से पौड़ी का द्वार है वो, तो वहाँ पर ये हाल कैसे? व्यवस्था तो नहीं है ना। पिछले 5 साल से देखिए, जैसे मैं समाज सेविका हूँ, हम जब भी डिलीवरी केस ले जाते हैं वहाँ से तुरंत मैडम कह देती है कि थोड़ा चेकअप करेंगी और कहेंगी कि डिस्चार्ज कर लो, आगे ले जाओ। अब मतलब गरीब जो मजदूरों की लेडीज है, मजदूर है, वो मतलब कैसे जाएंगे बाहर, आप ये बताओ, कैसे हम अपने लिए खर्चा नहीं यहाँ पे कर पाते, तो हम बाहर 10-5 हजार से कैसे लेके जाएंगे बताइए, और इस स्थिति में हम कैसे महिलाओं को बाहर लेके जाएंगे? हमें वहाँ पे स्वास्थ्य के साथ मतलब हॉस्पिटल में कई बार झगड़ा करना पड़ता है कि हम गारंटी ले रहे हैं, आप महिलाओं को वहीं रखो, इस स्थिति में हम बाहर नहीं ले जा सकते, मतलब पल्ला झाड़ा जाता है।
हरक सिंह रावत जी कितना दिखाई देते हैं क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं दिखाई दिए 4.5 सालों में, वो अब थोड़ा दिखाई दे तो रहे शायद हैं। यही कारण है कि वो बार बार विधानसभा छोड़ते हैं और कोई नई नई जगह देखते हैं, यही कारण है। जी बिल्कुल बिल्कुल राइट, यही तो करते हैं कोटद्वार, वो बिल्कुल कोटद्वार दिखाई में दिए और अभी भी वो बहाने बना रहे हैं। अगर वो ये कहकर पब्लिक को बुलाए ना कि हरक सिंह जी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, आप आ जाओ, मैं कह रही हूँ कि एक महिला ना जाए वहाँ पे, बिल्कुल नहीं, अपना इतना रोष परेशान है प्रकट करने महिला। का तरीका भी यही है कि आपको कोई झंडे जी डंडे लेके बहाना जाने की जरूरत नहीं है, जाने की ही जरूरत नहीं है ऐसी जगह अगर आपको रोष प्रकट करना है अपना। जी बिल्कुल नहीं जाते, लेकिन उनको बहाने बहाने हाँ, देके ना थोड़ा थोड़ा एक प्रमोद, शर्म दीवार का। पूजा जी थोड़ा प्रमोद जी से भी सुनते हैं। प्रमोद जी क्या जी बिल्कुल स्थिति है बिल्कुल आपकी तरफ? सर, मैं पूजा दीदी की बातों को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी जैसे आपने डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की बात करी, जो हमारे वर्तमान विधायक हाँ हैं, जी कल मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो मुझे बड़ी हंसी आई। वो कह रहे मैं जापान गया, मैं सिंगापुर गया और मैं अपने उत्तराखंड की रोडों में आया और मैंने वो देखा कि उस स्तर की रोड बनी है। सर आप यहाँ कोटद्वार में आके देखिए, पता नहीं चल रहा है सर कि रोड में गड्ढे हैं कि गड्ढे में रोड है, बहुत भयानक हालत है। और जैसे कि दीदी ने बताया कि पानी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या मैं आगे जोड़ना चाहूंगा सर स्वास्थ्य की, जो दीदी ने बताया यहाँ पे रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। जब वर्तमान विधायक डॉक्टर हर सिंह रावत जी चुनाव से पहले यहाँ आए थे पिछली बार, तो उन्होंने रोजगार के लिए बात करी थी। मैं सर चुनौती देना चाहता हूँ डॉक्टर हर सिंह रावत जी को और भाजपा की सरकार को कि आप बताइए कोटद्वार में कितने युवाओं को रोजगार दिया आपने। बहुत मैं बढ़िया। युवाओं की तरफ से बात करूंगा सर, यहाँ पे ना रोजगार दिया गया है, स्वास्थ्य की सुविधा सर ऐसी है, हॉस्पिटल में जाइए सर, आज कोटद्वार में हर एक नागरिक कहता है कि ये हॉस्पिटल नहीं, ये रेफर सेंटर है सर, यहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही है, यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ एक बात है सर, हमारे पूर्व विधायक जी जो थे सुरेंद्र सिंह नेगी जी, उन्होंने ये 60 बेड का 300 बेड बड़ा किया, लेकिन सर आज वो हॉस्पिटल की हालत कितनी बुरी है, सड़कों की हालत बुरी है, पानी की हालत बुरी है, नगर निगम थोप दिया गया था, जिला बनाने की बात हुई थी, कोटद्वार को जिला बनाने की बात हुई थी, अब नगर निगम थोप दिया गया है। जिला बनता सर विकास होता, पर्यटक क्षेत्र को बढ़ाने की बात हुई थी, ये सर भरत राजा की भूमि है, भारत नाम इस भरत भूमि, आज किसी को पता नहीं होगा सर, आपके दर्शकों आप अपने दर्शकों से पूछ लीजिए कि क्या किसी को पता है कि ये राजा भरत जी की जिनके नाम से भारत पड़ा, ये जी उनकी जी जी स्थली है, और उसको बनाने के लिए हरक सिंह रावत जी ने और भाजपा सरकार ने कहा था कि यहाँ पर्यटक विकसित करेंगे, तो कुछ नहीं बिल्कुल है वहां विकसित पर। नहीं हुआ है। ट्रेन कुछ नहीं है। सर यहाँ से हावड़ा एक्सप्रेस और मसूरी एक्सप्रेस दो चलती थी, जिसमें हमारे सैनिक भी जाते थे, आम लोग भी जाते थे, वो दोनों बंद कर दी गई है। सर यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है और डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का कुछ पता नहीं है, विधायक जी का कुछ पता नहीं है। अब वो थोड़ा बहुत दिखने लग गए होंगे, बीच में धामी जी के दौरे पे आए थे और एक आध बार यहाँ दिखे होंगे, कहीं नहीं दिखते हैं सर। ये युवाओं की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ सर, आप रोजगार की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात करिए, आप शिक्षा की बात करिए, जो मेन मुद्दे हैं सर यहाँ युवाओं के। आज लोग घर पे बैठे, युवा घर पे बैठे हैं सर, कॉलेज पास आउट है लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कोटद्वार से भी पलायन बहुत ज्यादा शुरू हो गया है सर, और ये उत्तराखंड की समस्या है, ये कोटद्वार की समस्या है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है जिसका कोई हल नहीं निकाला गया, कोई विजन नहीं है। और आज तो मैं तो सर एक आम नागरिक की तरह बात करूंगा कि जैसे आपने अभी हरक सिंह जी के बारे में बात करी कि वो आते जाते रहते हैं, मौसम विज्ञानी है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि अब वो फिर देखेंगे किसकी सरकार बनने वाली है, उधर ही चले जाएंगे। तो सर कोई भी काम कोटद्वार में नहीं आया। आप सर और कुछ नहीं, आप कल का उनका इंटरव्यू सुनिए, उन्होंने कहा कि सिंगापुर और जापान की तरह रोड्स बन गई हैं, आप सर रोड्स देखिए, यहाँ आप कोटद्वार में तो आइए सर, हरक सिंह कितने रावत जी गड्ढे हैं। जापान और सिंगापुर के गांव में गए होंगे ना फिर, इसका मतलब शहर में नहीं गए हो, है ना? हो सकता है सर वो कहाँ, हाँ, गांव में गए आप खुद होंगे। सोचिए सर, युवा के पास रोजगार नहीं है, यहाँ से पैसा नहीं है जेब में, वो सिंगापुर और जापान घूम रहे हैं विधायक जी, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सर, आप जापान सिंगापुर घूम रहे हैं अपने यहाँ के युवाओं के लिए, कुछ बुजुर्गों के लिए कुछ तो शुरू करते सर, आप सिखाई नहीं दिए सर। अब चुनाव आ रहे हैं ना सर, तो हो सकता है जनता सुनी रही होगी आपके माध्यम से कि क्या काम हुआ, किसी को नहीं पूछ अच्छा रही सर, ये लहर है, प्रमोद हर कोई जी, कह रहा है कोई काम नहीं हुआ है। प्रमोद जी, हमारा कार्यक्रम करने का मकसद भी यही है कि क्या जी होता है सर ना कि हम लोग देखते हैं टीवी पे डिबेट चल रही होती हैं, पर वक्ता बैठते हैं वो बीजेपी का पक्ष रख रहा होता है कोई आम आदमी का, जी पर कहीं ना कहीं पे आपको कभी दिखा किसी किसी भी टीवी चैनल पे जनता का पक्ष रखते हुए सिर्फ अपने वादों की बात करते हैं जी और एक दूसरे की बुराइयां करते हैं,
पर सच्चाई जो है वो सभी पार्टियां पी जाती हैं। सच्चाई यही है कि ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है, ना सड़क है, ना महिला सुरक्षा है, और दो साल से जो कोरोना का हाल हुआ है, जिसमें भगवान ना करे दोबारा वो समय देखने को मिले, बच्चे स्कूल जाना भूल गए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की जो ये बात करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे बहुत खर्चा हुआ है। अब मैं समझता नहीं हूँ कि बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन ले भी पाए होंगे, क्योंकि जब सिग्नल ही नहीं है तो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे ले पाए होंगे, बिजली भी रहती है, वाईफाई चलाने है ना। तो ये ऑनलाइन के नाम पे जो इन्होंने किया है दो साल से, अब आप प्रमोद जी आप अभी क्या करते हैं, अब थोड़ा सा मैं इससे आगे लेके चलूंगा। सर मैं कुछ करना चाह रहा था यहाँ पे आके, मैं कुछ बिजनेस करना चाह रहा था, मुझे लगा कुछ हम आर्ट्स और क्राफ्ट्स को यहाँ पे बढ़ावा देना चाह रहे थे, सरकारी मदद भी कुछ मिलती मेरे नहीं, पास सरकारी योजनाएं। देखिए ऐसा है प्रमोद जी, मैं आपको बताऊं, सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं, सरकारी योजनाओं की कोई कमी नहीं है, कमी है उनके प्रचार प्रसार की, उनको सही प्रकार से आप तक पहुँचाने की। जी अगर मैं ऑन एयर बोल सकता हूँ ये बात कि बोलते हैं ना, बिना जैक के अब तक वो भी नहीं पहुँच पा रही होंगी योजनाएं, तो ये हमारे हमारे देश की जो है ना, ये बड़ी स्थिति इस मामले में खराब है कि कोई योजना भी आप पे बिना जैक के नहीं पहुंच रही है। तो सोचिए कि क्या मतलब क्या नौजवानों का क्या होगा। कोटद्वार से मैं भली भांति अच्छे से परिचित हूँ, एक एक गली से परिचित हूँ मैं वहाँ से, और जो आपके यहाँ की एक बहुत बड़ी रोड जो होनी चाहिए थी, जो हरिद्वार को कनेक्ट करती है, कोटद्वार से हरिद्वार को, वो आज तक वो 10 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, 10 साल से वो वैसे की वैसी ही है। सर गडकरी जी ने वादा किया था 4 लेन का, 1 साल का वादा किया था, मैं उनके बयान आज भी मेरे को याद है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आप बीजेपी की सरकार लाते हैं और इनको जिताओगे, 1 साल में मैं यहाँ से कनेक्टिविटी दूंगा जी। ये गडकरी जी का वादा था। गडकरी जी वैसे बाकी देश में पूरा बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो कैसे कोटद्वार को भूल गए, आज हम इस बात को भी रखेंगे कि गडकरी जी आपने तो वादा किया था, आप तो वादों में बड़े पक्के हैं और आपने किया भी है, गडकरी जी की तारीफ भी करूंगा मैं। तो ये है पूजा जी, थोड़ा सा अपना फ्रेम ठीक कर लें आप, थोड़ा फ्रेम नीचे जा रहा है आपका, थोड़ा सा कैमरे को आप, हाँ जी आप दिखाई थोड़ा दूर से दे रही हैं, हाँ आप बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो पूजा जी समस्याएं आपकी, महिलाएं कोटद्वार में महिलाएं बड़ी जागरूक हैं और आप कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रही है उनका, तो उनकी जागरूकता अपने अपने क्षेत्र के विकास में उनको बोलिए आगे आए, और इस बारी कुछ अलग तरह का इलेक्शन देखने को मिले जहां महिलाएं मुद्दों के ऊपर बात करें, और ताकि जो नेतागण हैं अपने, ये लोग जब आपसे वादे करें तो इनसे पुराने रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए। अब महिलाएं जब बोलती है ना तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, तो ये काम आप अच्छे से कर सकती हैं। अभी फिलहाल आपको बिल्कुल ताजा बात बताना चाहूंगी, कल की बात है जी, मतलब इन्होंने जो भी आपने कहा कि जहां संबंध होंगे मतलब अपने चेहरे दिखाई देंगे इनको, ये उन्हीं को सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। अभी कली शरण विभाग से जो है महिलाओं को कुछ ये कंबल वगैरह कुछ सामान वगैरह बांटे गए, इसलिए क्योंकि विधायक जी आए इनको भीड़ दिखाने की, तो इन लोगों ने मतलब पब्लिक को इतनी बुला ली और सिर्फ अपने अपने लोगों को, अपनी महिलाओं को इन्होंने वो जो है कंबल का जो किट था, क्योंकि जब विधायक जी चले गए उसके बाद तो भीड़ को कैसे संभालना था, झूठ बोल के बुलाया था इन्होंने, तो चेहरे देख देख के इन्होंने जो है जो इनके मतलब अपने मतलब जो इनके अपने चमचे थे उन्हीं लोगों को इन्होंने वो सामान दिया। बाकी महिलाएं बेचारी सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक वहाँ परेशान हो गया। अच्छा आपके वहाँ एक पेंसिल फैक्ट्री है? जी बिल्कुल। वो पेंसिल फैक्ट्री का क्या हाल है वहाँ पर? सर बहुत बुरा हाल है उसका भी, ऐसे ही सारा गंदा पानी सब सब तरफ का उसी के वहाँ पे जाता है, वहाँ पर उद्योग है सर, वहाँ पे अभी एक योजना भी आपने बोला, अभी मैं 3 दिन से उस योजना पे काम कर रही हूँ महिलाओं के लिए, ये है प्रधानमंत्री योजना जी, पेंसिल फैक्ट्री में उद्योग है वहाँ पर आई हुई है, तो वो भी सर यही चक्कर हो रहा है कि मतलब जो अपने जान पहचान के लोग हैं उन्हीं को वो सुविधाएं दी जा रही है, और जो महिलाएं वाकई जरूरतमंद है ना सर उनको वो सुविधा पहुँचाई नहीं जा रही है ना। मुख्यमंत्री योजना है, मुख्यमंत्री की जो है रोजगार के लिए वो तक ही दी जा रही है 2 लाख रुपए की, अब वहाँ पे गुलाब के। अच्छा इस प्रोग्राम के जरिए आप सीधा अपनी बात मुख्यमंत्री के लिए आपको संदेश देना चाहती है, आप सीधा बोल सकती हैं, आपकी हम ये जो आप जो भी बोलेंगी ये इसको हम अपने अपने डिबेट में रखते हैं और ये बात वो सुनते भी हैं, और ये हम चंक बिल्कुल बिल्कुल ना इसको बोलते हैं चंक काट के सीधा उन तक पहुँचाते हैं। जी
जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी से कि इस समय जो है यहाँ उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं बहुत ज्यादा परेशान है। एक तो 2 साल से लॉकडाउन था तो काम नहीं चले, जैसे ऑटो वाले हैं, रोड पे जो ठेले लगाते हैं, सब्जी वाले हैं, इस तरीके की महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो सर हम यही चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले यहाँ पे, जो मतलब और जो हमारे लिए मुख्यमंत्री योजना आई हुई है, प्रधानमंत्री योजना आई हुई है, उसका मेरी गरीब महिलाओं को लाभ मिले। ये तो बिल्कुल लाभ मिलना चाहिए। आप इसकी योजनाओं जी, का पूरा मिल रहा है। और सर विधवा पेंशन है और बुजुर्ग पेंशन है, ये पेंशन 6-6 महीने शुरू की है सर। अगर मुख्यमंत्री जी इनको मतलब आगे के लिए कर दे तो बेचारी महिलाओं को जो वृद्ध है उनको बहुत परेशानी हो रही है सर। 6 महीने से मैं अभी भी आज सुबह भी गई थी, जब आप लोगों का फोन आया तो महिला शक्ति दिखानी पड़ेगी आपको, सरकार को महिला शक्ति दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल आप इस बारी दिखाइए, आप सहयोग चाहिए हमें। हम बहुत ज्यादा 5 साल से महिलाओं को लेकर परेशान है। देखिए पहले मैं मान लीजिए 12 घंटे काम करती थी, लेकिन अभी मैं 18 घंटे काम कर रही हूँ ना सर, उसके बाद भी महिलाओं की परेशानियां कम नहीं हो रही है। प्रमोद जी आप तो यंग हैं और आप अपनी बात को रख भी सकते हैं अच्छे से। आप अगर महिलाएं 18 घंटे काम कर रही हैं तो हम नौजवानों को तो 24 घंटे भी कोई ज़्यादा नहीं है, आप काम कर सकते हैं। अगर मैं बोलता सरकारी योजनाएं नहीं है तो स्वरोजगार योजना काफ़ी सारी अच्छी हैं, खेती की योजना है, उन सबको आप काम कीजिए, सरकार से प्रश्न कीजिए और उसमें योजनाओं में जो भी सब्सिडी मिलती है उसका भी तरीका है, उनको अवेल करने का भी तरीका है। पर यह है कि सिंगल विंडो सिस्टम हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, कि बजाय कि डिपार्टमेंट के चक्कर काटने के। अभी सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है वहाँ पर, वो मैंने भी देखा है वहाँ। तो प्रमोद जी, एक तो आप ये बताइए कि अब किस प्रकार से आप लोग इस बारी कोटद्वार में जागरूक करने वाले लोगों को कि कौन सी सरकार चुने हम, या मैं तो बोलूँगा सरकार चुनने से पहले उस व्यक्ति को चुनो जो व्यक्ति सही में आपके क्षेत्र के लिए काम कर सकता, वो किसी भी सरकार का हो, ऐसा व्यक्ति चुनना जिसको आप पकड़ सको, जिसके घर के बाहर खड़े हो सको कि भैया हमने तुम्हें चुन के भेजा है, और चुन के भेजने का मतलब तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास अपनी विधायक निधि तो है, वो कहाँ खर्च करी आप हमें हिसाब दीजिए। तो जब इस तरह से आप सवाल जवाब होंगे ना तो सभी लोग काम करेंगे, अपने क्षेत्र में आने से डरेंगे जब काम नहीं करेंगे तो, और काम किया होगा तो अपने क्षेत्र में मिलेंगे। तो इस तरह की योजना कुछ बनाइए, सभी नौजवानों को एकत्रित कीजिए आप वहाँ पर, और बात कीजिए कि भैया इस बारी सरकार जो तुम्हारे विचारों पे नहीं होगी, तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड पे होगी, और ये रियलिटी चेक है, ये एक तरह का रियलिटी चेक है, जो आपने काम किए हैं नहीं किए हैं ये सब रियलिटी चेक्स में आता है। और हमारे प्रोग्राम करने का मतलब भी यही है, कहीं ना कहीं पीड़ा मेरी भी यही है, मैं भी उत्तराखंड से हूँ और ये पीड़ा मेरे अंदर तभी जागी है क्योंकि मेरे को लगता है कि हम लोगों को कोई सुनता नहीं है, हम लोग हमेशा इस्तेमाल हो जाते हैं। तो भोली भाले जो उत्तराखंड की जनता है उनका इस्तेमाल अब होना बंद हो जाना चाहिए। 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, और हम सबको, हम महिलाओं की शक्ति का भी हमें पहचानना पड़ेगा, युवाओं को भी पहचानना पड़ेगा, और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के अगर हम सोचें नौजवान कि हम ऐसे ही चल पड़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है, मार्गदर्शन उन्हीं से लेना है। तो आप अपने यहाँ की समस्याएं जो भी हैं आप अपने इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी समस्याएं कमेंट में लिखें, ताकि हम वो आपके विचार आपके प्रश्न उन तक लोगों तक रख सकें, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि जनता वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जो टीवी चैनल पहुँच जाते हैं जी, है ना। और हमारा मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आपने अभी दीदी को बोला कि मुख्यमंत्री तक आपको ये बात पहुँचाना चाहते हैं, आप भी बताइए। बिल्कुल, तो मैं तो मुख्यमंत्री जी तक सर एक ही बात पहुँचाना चाहता हूँ कि कहीं हमें चुनाव से पहले कोई चौथे मुख्यमंत्री तो नहीं दे रहे हैं आप? नहीं नहीं चौथे देखिए, अच्छा एक बात मैं बताऊँ, चलिए प्रमोद जी, मैं ना इस प्रोग्राम को हमेशा कन्वर्सेशन की तरह ही लेता हूँ, मैं इसको तर्क वितर्क में जो है एक सबसे अच्छी बात क्या है किसी भी सरकार में जी, मतलब मैं कांग्रेस में बुराई ढूंढूं तो मिल जाएगी कि वहाँ हरीश रावत के इर्द गिर्द घूमती है या राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती है चीज़ें जी। बीजेपी के अंदर एक अच्छी बात ये लगी, जो अच्छा है उसे अच्छा बोलना चाहिए कि वहाँ किसी को भी चांस मिल सकता है, चाहे वो बोलते ना बॉस का बॉस बनने में जो मज़ा है ना, अब दो साल के विधायक को अगर चांस मिला है कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है तो प्रमोद रावत को भी मिल सकता है और पूजा त्यागी को भी मिल सकता है, ये प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है। वो क्यों होता है कि जब आप अपनी बात रखना जानते हो तो,
आपको तभी चुना जाएगा जब आप अपनी बात रखोगे, अपनी बात रखना रखने का तरीका, लोगों को एकजुट करने का तरीका ये होना चाहिए। और सरकार वो इनका आंतरिक अंदरूनी मामला है उनका। मैं बोल हमें अपना बेनिफिट देखना है, सबसे पहले हमें अपना बेनिफिट देखना है, अपने क्षेत्र का बेनिफिट देखना है। इस तर्क वितर्क में हम ना फंसे तो अच्छा है। अपने क्षेत्र का, अपने क्षेत्र की बात करो, अपना मतलब अपने क्षेत्र से है, मेरा गांव मेरे देश से मतलब है हम सबका, हम सबका। हमें अपने क्षेत्र का विकास देखना है। सरकारें, मैं तो बोलता तुम चार मुख्यमंत्री रखो, मैं तो बोलता हर क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। और सर आपने ये भी कहा ना कि आप युवाओं को कैसे जागृत करोगे। हाँ जी। और आप एक अच्छी सरकार, या चलो सरकार तो सर देहरादून से ऑपरेट होती है, मैं तो अपने जो क्षेत्रीय विधायक हैं, अगर मैं सर मैं एक आम नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मैं एक आम नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ। आप देखिए सर, जो पूर्व विधायक थे सुरेंद्र सिंह नेगी जी, आज देखिए सर हर जगह वो आज भी दिखते हैं, जो वो विधायक थे तब भी दिखते थे, और उनके किए गए काम सर यही एक अच्छे इंसान की, यही अच्छे इंसान की वो है पहचान है कि अपने क्षेत्र से अपने कनेक्ट रहे हो। तो मैं कनेक्ट रहे सर, वो हमेशा दिखते हैं सर, उनके पास कभी भी चले जाओ सर, वो बहुत इजी एक्सेस है उनका, यही बैठते हैं यही रहते हैं, वो जब विधायक थे तब भी यही दिखते थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर दिखते ही नहीं उनके पास, इनसे पास सर जाने में भी डर लगता है। आप कह रहे हैं कि वहाँ मौके मिलते हैं, सर मुझे तो नहीं लगता कोई मौके मिलते हैं। उन्होंने मौका देके किसी को थोड़े दिनों के लिए बना दिया होगा कि चलिए वो विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, सबका नजरिया अलग हो सकता है, चश्मा सबका अलग अलग हो सकता है, नंबर का फर्क होगा, मैं कुछ और मानता हूँ आप कुछ और मानते हैं, पर कुल मिला के हमारा हमारा गांव का विकास होना चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, हमारी महिलाओं को शक्ति मिलनी चाहिए, और इनकी शक्ति से हम सरकार चुने, ये सब हमारा एजेंडा है। तो आज के लिए इतना ही। पूजा त्यागी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रमोद रावत जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आपकी बात हम आगे डिबेट में रखेंगे। आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी बात आपकी जनता तक पहुँचे और उनके कमेंट हमारे तक पहुँचे। हमारा प्रोग्राम करने का और कोई मकसद नहीं, ताकि सच्चाई आप तक पहुंचे। तो ये थे हमारे साथ पूजा त्यागी जी और प्रमोद रावत जी, और इन्होंने अपनी समस्या रखी, इस सब पीने के पानी की समस्या थी, ट्रेन की समस्या थी, सड़क की थी, सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क ढूंढते हुए ये जनता आज भी त्रस्त है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले दिन किसी और विधानसभा के साथ। धन्यवाद।